है कि टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगदी बरोबर आहे। लो स्कोरिंग सामने पाहायला मिळतात, मात्र अजूनही प्रयत्न करावे लागेल। एफसीसी एक बलाढ्य संघ आहे। सिद्धी बाबेसर चांगली फलंदाजी अजूनही बाकी आहे। आरिफ एक डाकुराचा एक चांगला फलंदाज आहे, हे पाहू शकता। पुन्हा एकदा टीम मीटिंग करताना आपल्या पाया दिसत आहेत। रोनाल्ड जो की ग्रामीण क्षेत्र से आइए, अगली दो टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना है। चैलेंज के कैप्टन और बालाजी के कैप्टन, मैच ऑफ आफ्टरनून आप देखने जा रहे हैं। चैलेंज स्पोर्ट्स ने एकता ट्रॉफी में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्मेंस पहले ही मैच में रहा था उनका जेबी कप में। देखना है कि युवा टीम और दीपक मडवी जो कि सीनियर कंपेनर है, यंग साइट को लेकर किस तरह का जवाब देते हैं। कुमार सामना करेंगे आरिफ। पहली ऑफिशियल वार्निंग कमेटी की तरफ से, तीसरी में 3 रन का पेनल्टी लोनाड टीम को। इस मरतबा खेलना चाहते थे, मिड विकेट पे बल्ले के अंदर गेंद लगी, पहुंची जमीन के सारे स्क्वायर लेग पर, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ 15 पे पहुंचा है, 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आप देख रहे हैं नाना कप 2018 आप तक लाए द टाइगर ऑफ टेमगर, सतीश चौधरी, बालाराम चौधरी जी, विजय चौधरी जी, साथ रहा है नाना स्पोर्ट्स का अल्पेश चौधरी, करसन फ्लोरे और प्रदीप चौधरी। कुमार क्रीज के कोने से जाते हुए, इस मरतबा विद टाइट खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद बैठ गई, अनुमान से कम उठी थी गेंद, कॉरिडोर से जाती हुई विकेट कीपर के पास। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज, ठंडी हवाएं मैदान पे बह रही है। फुल टॉस गेंद हवा में स्ट्रोक, क्या गेंद मैदान के बाहर, नहीं नहीं, 6 रन है अंपायर, 6 रन है क्योंकि गेंद दरख्त से जाके टकराई है। हाँ मुझे आज भी याद है आरसी पाटिल का वो मैच ओपन का, गेंद तार को जाके टकराई और वो ओपन वाले रोते चले गए। एनआर ने मैच को जीता था। इस मरतबा गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर, झाड़ू स्ट्रोक 1 रन। दरख्त पे अंपायर लिखा हुआ है कि ऊपर लगेगा तो 6, नीचे लगेगा तो 4। यस नहीं, यहां का भी तो मुझे मैच याद है, ये दरक यहां भी तो बीच में आया था, लेकिन ये है नाना स्पोर्ट जिन्होंने सोचा कि बैट्समैन की मेहनत को क्यों खराब किया जाए। कुमार आरिफ के लिए बढ़िया गेंद, बीटवे आरिफ, बीटवे विकेट कीपर, फ्लाई स्लिप पे गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, गेंदों को अंदर की जानी काट रहे हैं कुमार। चांगली गोलंदाजी पार मिलते आतापर्यंत, कुमार ने चांगले प्रभावित केलेला गोलंदाजी मध्ये। कुमार आरिफ के लिए ब्लॉक होल्ड में बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में सफाई से नहीं पकड़ पाए जब तक गेंद को मिड ऑन पे उठाते, 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने, 23 रन। रन बनाना मानो चुनौती साबित हुआ है। 2 ओवर के लिए आपके सिर्फ 7 मिनट बचे हैं लोनाड। ये देखिए मेरे पास करेश मात्रे का बहुत ही खूबसूरत फॉर्म आ चुका है, रोटरी प्रेसिडेंट कप क्रिकेट एवर ग्रीन आप देखने जा रहे हैं, सदाबहार क्रिकेट रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 नए साल का तोहफा, 8 जनवरी से 13 जनवरी फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं। 1,20,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 55, थर्ड 12, फोर्थ 12, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज के आकर्षक इनामत, सिटी क्रिकेट का महासंग्राम,
उसके बाद क्रिकेट के रंग महेंद्र स्पोर्ट्स के संग और बाली ट्रॉफी 4 से 16 फरवरी बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट इस मरतबा ऑन द राइज खेला है इनको वी की शक्ल में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। आतापर्यंत आपण पाहतो धाव संख्या फक्त आणि फक्त 24 धावा धावपळ करत आहेत कारण की चौथ्या षटकाला सुरुवात झालेली आहे। अजय गोलंदाजी करतोय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत सिद्दीक भाबे सर कालूबाई लोणार या संघाची टॉस जिंकल्यानंतर चांगली सुरुवात पाहायला मिळते। एस के सापे कप भी आप देखने जा रहे हैं ग्रामीण का अलग फाइनल और सिटी का अलग 26 जनवरी से 2 फरवरी तक और 4 फरवरी से क्रिकेट का जुनून बाली ट्रॉफी इस मरतबा पैरों से टकराई टोक रेशर आउट LBW परफेक्ट स्विंगिंग यॉर्कर बहुत खूबसूरत गेंदती अजय की जिसपे आउट हो गए बैट्समैन नए बैट्समैन तौसीफ बल्लेबाजी को आए इस मरतबा गेंद बैठ गई थी अंदर लगी है और गेंद जा रही नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रन किस्मत वाला शॉट किस्मत वाले रन देखिए लोकल क्रिकेट हो टेनिस क्रिकेट हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो इस तरह के जब शॉट जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए बहुत निराशा रहती है। अंदर लगी थी गेंद नीचे बैठ गई थी किस ऑफ द बैट एंड रोस्ट नॉन स्टॉप इस मरतबा तौसीफ ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग किया गेंद को बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेला है अच्छा थ्रो पहुंचा स्टंप्स के ऊपर 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने स्कोर आगे सरकता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पे 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके बाद बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं चैलेंज बनाम बालाजी दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है पांचों ओवर से पहले टॉस बॉक्स में बैठना है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर फैम टीम और चैलेंज और दयानंद चोरके फैम टीम बालाजी इस मरतबा कारपेट के सारे गेंद को ऑन साइड में ड्राइव करते हुए थ्रम्बल किया वहां पे फील्डर ने 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने इन 2 रनों से स्कोर 31 रनों पे पहुंचा है। इकतीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बढ़िया गेंद लगातार गेंद बैठ रही है सबमरीन गेंद सरपंडी चेंडू 4 ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 31 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पे। आज कई मान्यवर हमारे मंच पे हैं यहाँ पे इंजीनियर साहब भी पहुंच चुके हैं साइना चौधरी जी हैं शैलेश चौधरी हैं सुरेश चौधरी जी हैं और टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी द मैन क्रिएट हिस्ट्री नाना स्पोर्ट्स को आज आखिरी मुकाबला खेलना है देखना है कि अल्पेश चौधरी माजी शेख का किस तरह सामना करते हैं एमएच बलेरे जरार और डे वाले बैट्समैन सुफियान शेख नाना की गेंदबाजी को किस तरह झेलते गेंदबाजी में किशोर 3 मिनट बचे सामना करेंगे तौसीफ पटकी भी गेंद बैकफुट पे गैप पुल किया बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में 4 रनों के लिए सैताचे मैना
छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, खींच के मारा चापू की स्ट्रोक, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, 4 रन। अतिशय जबरदस्त फटका बैट मध्ये निघतोय पाहायला मिळतंय। शेवटचं षटक आहे, स्लॉगरचं षटक आपण पाहतोय, धावा बनवण्याचा प्रयत्न करतोय तौसिफ आणि आरिफ। धाव संख्येचा विचार केला तर 35 धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत। गोलंदाजी करताना गोलंदाज किशोर टिमगर इन कडून खेळासाठी सज्ज होतो, फलंदाज खेळपट्टीवर आपण पाहतोय। नाना कप के मैन ऑफ द सीरीज परी इंटरप्राइजेस के विकी पाटिल भी हमारे बीच में है। कूलर पावरफुल, ये तो जाएंगी साजन के घर, 6 रन। वैसे भी तौसिफ किसी की मुस्कुराहटों पे कुर्बान होते हैं, लेकिन आज गेंदबाज उन पे कुर्बान। बहुत खूबसूरत शॉट, लगातार छोटी गेंदे, ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, जगह से खड़े खड़े गेंद को बल्ले पे लपेट दिया था, 6 रन। 41 रन, अब बची भी गेंदे, सरदर्द होती हुई लोनाट की। फिर से छोटी गेंद, लेकिन ज्यादा बैठ गई थी, रन के लिए जाना चाहते थे। ये देखिए अभी भी रन नहीं लिया जा रहा है, आरिफ को शायद रन आउट होना मंजूर है। हमारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आपको फोन कॉल नहीं करना है, एसएमएस करना है। अतिशय जबरदस्त आवा बघितला, धाव घेण्याचा प्रयत्न केला था आरिफ ने। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर और ये जो मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, मशहूर उद्योगपति करसन फ्लोरी की देन, मैन ऑफ द सीरीज विकी पाटिल परी इंटरप्राइजेस, इस मरतबा पैरों के सामने ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में बढ़िया फील्डिंग। ग्रामीण क्षेत्र से जो टीमें आती उनकी फील्डिंग बहुत लाजवाब रहती। अगदी बरोबर आहे, चांगले क्षेत्ररक्षण कधीपासून पाहायला मिळालेलं आहे, आता शेवटच्या षटकामध्ये एक चौकार एक षटकार। और आप अगर पहली मर्तबा सिटी क्रिकेट में हसीब सामना करने जा रहे हैं, फर्स्ट बॉल खेल रहे हैं सिटी क्रिकेट का, इस मर्तबा नीचे रही थी, बैकफुट पे गए थे, कट करना चाहते थे बीट वे। आसिफ जिनके नाम 2 मर्तबा का कीर्तिमान है, 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने का, 1 मर्तबा मराठी भाना चषक में और 1 मर्तबा बी इंडियन ट्रॉफी में। राइट आर्म ओवर द विकेट, आसिफ को बल्ले के अंदर लगी है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, क्या थ्रो पहुंचा था, रन आउट हो गए बैट्समैन, तो कुल मिलाकर 43 रन बने। एफसीसी ने 44 की चुनौती रखी। आइए दोस्तों, दोपहर के सत्र का एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, खेलने वाली टीमें लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास और फैम टीम चैलेंज के कैप्टन और दयानंद चोड़गे फैम टीम बालाजी के कैप्टन। कैप्टनों को टॉस बॉक्स में रहना जरूरी है, ये बार बार हम अनाउंसमेंट कर रहे। ऑल द बेस्ट तुषार शिल्के एंड ऑल द बेस्ट आर्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी। आइए मैं साइना चौधरी जी और इंजीनियर शैलेश चौधरी दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं, साथ में जुड़ते हुए द टाइगर ऑफ टेमगल सतीश चौधरी, फोकस मैन लेकिन बहुत कम कैमरे के सामने आते हैं। आइए, ये सिक्का 5 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर
मैंडेटरी पावर प्ले 25 मिनट का समय, बैट्समैन आउट होगा, सर्कल पे क्रॉस करना जरूरी। खेल कहना है चैलेंज के कैप्टन का आया हेड है। अनेक अनेक धन्यवाद सर, आप तीनों से निवेदन है कि आपको मंच पे बैठना है। दीपक मडवी हार्ट ऑफ भिवंडी मेरे साथ हैं। हार्ट टचिंग ये सतीश चौधरी और नाना का शो है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाना स्पोर्ट जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते तो एकदम फुल परफेक्शन रहता है उनके ऑर्गेनाइजिंग में, और ये ग्राउंड भी अच्छे से बनाया है, बाउंड्रीज भी अच्छी दिख रही है मतलब, और लाइव टेलीकास्ट भी अच्छा है। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे। रीजन ये है कि सुबह से चेसिंग मुश्किल हो रहा है, चेसिंग आसान हो रहा है? वो वैसा कुछ रीजन नहीं है, विकेट थोड़ी हार्ड है मतलब, बॉल कभी नीचे बैठ रही है कभी टॉस हो रही है, तो हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। दीपक ये बताइए, कई सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, टीमगढ़ में कितने सालों का क्रिकेट का आपका तजर्बा है और यहाँ के क्रिकेट को आप किस नजर से देखते हैं? टीमगढ़ में लगभग 20 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि टीमगढ़ भादवड़ बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे यहाँ की ऑडियंस मतलब क्रिकेट की दर्दी ऑडियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ तुषार छिलके। छिलके बताइए कि ये आज क्रिकेट का जो जुनून है इसका सारा क्रेडिट पहले द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास और चैलेंज स्पोर्ट्स को जाता है। चैलेंज खेलने जा रही है, साथ ही साथ चाहे सिद्दीक बाबे रहे, चाहे हरीश पंड्या रहे, चाहे अजय गरत रहे, चाहे डॉक्टर गौली रहे, इनके भी जो नाम ऊपर हुए वो वहीं से हुए, लेकिन अब ये बेड़ा बीसी फोर में अल्ताफ बाली, संजय मात्रे और उनकी पूरी टीम ने उठाया, तो सबसे पहले ये कि नाना कप में कैसा लग रहा है और भिवंडी के क्रिकेट का चाम आपको कैसा लग रहा है? भिवंडी क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है, और आउट ऑफ भिवंडी छोड़ के हर जगह बोलते हैं भिवंडी का क्रिकेट सबसे ऊंचा है। ये बताइए आप टॉस जीतते तो क्या करते? फलंदाजी करते। और ये बता सकते हैं तुषार छिलके कि टीमगढ़ में आपके क्रिकेट का एक्सपीरियंस कितने सालों का है और सिटी क्रिकेट में आपने कितने सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं? टीमगढ़ में 4 साल में से खेल रहा हूँ और सिटी क्रिकेट में 5 साल हुआ। देखिए आप रीढ़ की हड्डी कही जाती है आपके बल्लेबाजी की, तो क्या लगता है कि क्या लक्ष्य रखेंगे जहाँ छोड़ गए कंपनी को आप बालाजी को टफ दें? 60 प्लस करें। वही क्रिकेट देखने जा रहे हैं चैलेंज का जो 4 कप में हमने देखा है? हाँ जरूर। जीत और हार होती है लेकिन चैलेंज चैलेंजिंग खेलेंगी? जरूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज बालाजी वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, सामने का सुरुवात होता है स्ट्राइकर फलंदाज योगेश नोस्टा एकला घूर्णात आणि पहिला षटक घेऊन ते गोलंदाज आपण पाहतात। जीशान निश्चित जिशान याला आपण जर विचार केला 2012 आणि 2013 अतिशय जबरदस्त गेला होता जिशान यासाठी, मात्र आता एक लो स्कोरिंगचा सामना आपण पाहतोय, 5 षटकांचा हा सामना आपण पाहतोय। बिलकुल आपने सही कहा, इंडियन ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे जिशान, और वहां पिछले सीजन में उन्होंने 13 विकेटें हासिल की थी इंडियन ट्रॉफी में, जो कि जीता था युतिका स्पोर्ट ने, और रनर भी इंडियन रही थी। सामन्याला सुरुवात करायची आहे, अरे बाय मॅच की सुरुवात करनी आपको, देखना है वहां पर ड्रेसिंग और चेसिंग कंपल्सरी है। यस, 2 रन का पेनल्टी है, ड्रेसिंग और चेसिंग कंपल्सरी है। हम सुबह से ये कह रहे हैं कि सुपर ओवर नहीं है, सुपर ट्रॉफी है। अगदी बरोबर आहे, 2 धावांची पेनल्टी ऐड करण्यात येत आहे। आइए सिटी क्रिकेट का एक महासंग्राम और आप देखने जा रहे हैं, लेट डगरू सेट प्रतिष्ठान ट्रॉफी मानकोली सारंगांव टीम की ये देन है, जो 21 और 24 तारीख को आप देखेंगे मेगा प्राइस के साथ। अतिशय जबरदस्त आपण बघितला, फॉलो थ्रू चांगला पाहायला मिळतोय, चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, एका दोन्ही संघाचं खातं खोलत होतं, योगेश आपलं खातं खोलतोय,
या स्पर्धेमध्ये ड्रेसिंग जी आहे कंपल्सरी आहे? देखिए जो टार्गेट 44 का था, दो रन पेनल्टी के हमने ऐड किए, अब टारगेट रहेगा 46 का, दो फोकसमैन वीआईपी पे सतीश चौधरी और अल्पेश चौधरी। जिशान खूप मोठा फटका बॅट मधून निघतो चेंडू, बॅटवर सर क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा झनझनी षटकार बॅट मधून पाहतो आपण। एक बात तो कहना चाहूंगा, ग्रामीण क्रिकेट से जो भी खिलाड़ी आते हैं उनकी शॉट्स में ताकत बहुत रहती। ये देखिए पूरी ताकत को झोंक दिया, फ्रंट लेग को थोड़ा अलग किया, विद इट हाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन। तोड़फोड़ फलंदाजी पाहायला मिलते हैं, आतापर्यंत 15 षटकार या स्पर्धेमध्ये लागलेला आहेत। जिशान अतिशय सुंदर अशी वापसी, बोल्ड केले फलंदाजाला, पहिल्या चेंडू षटकार मारल्यानंतर फलंदाज बोल्ड होते। यस दिस इज अ व्हेरी गुड कमबॅक फ्रॉम जिशान, विकेटों को खुला छोड़ा था, ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद, इतना ज्यादा शफल करके आप जब खेलेंगे और विकेटों को खुला छोड़ो या घर को खुला छोड़ो, नुकसान तो होगा। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब देते हुए पहला विकेट गिरता हुआ आउट होके आ रहे हैं बैट्समैन गुरु। धाव संख्या स्थिर होता है 7 धावा, नवीन फलंदाज खेलपट्टी होते, राज होते खेलपट्टी पर। सिद्धिक भावे सर आपण बघितलं की षटकार ठोकल्यानंतर एक चांगली वापसी, एक चांगल्या गोलंदाजीची चांगली वापसी होते। जिशन एक ज्याने बी इंडियन ट्रॉफी मध्ये 13 विकेट घेतले होते आणि बेस्ट बॉलर भेटला होता। एक बात है कि एफसीसी ने जिस तरह का क्रिकेट आपने देखा, एकता ट्रॉफी पड़गा शाहिद खान के शो में भी खेला था, अगदी बरोबर, कोण विसरणार, हायलाइट क्रिकेट पाहायला मिळाला होता। चांगली फलंदाजी आहे मात्र संघर्ष केला होता फलंदाजी करताना, मात्र गोलंदाजी चांगली करावी लागेल। अगला मुकाबला युवा चैलेंज टीम को दावत दिए बल्लेबाजी की बालाजी स्पोर्ट्स ने। जिशान पुन्हा एकदा अलकाताने फक्त चेंडूला सन्मान दिला, धाव घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट थ्रो करण्याचा प्रयत्न केला होता, आता चौथी धाव पूर्ण होते, एकच धाव आहे, धाव संख्या होते ती 8 धाव धावपळ करू लागते। सिद्धी बाबे सर कॉपी बुक स्टाइल पुश जिसे क्रिकेट में कहते, गेंद को आने दिया था, लूज बॉटम हैंड से गेंद को पुश किया था, रन चुरा लिया। अब कोई दिल चुराए या रन चुराए, खबर तो चुराने के बाद ही होती है। जिशान आता मात्र अतिशय सुंदर असा फटका बॅट मधून निघते चेंडू, मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू होतो, एकदा पूर्ण दिवसात धाव घेण्याचा प्रयत्न, खतरा होऊ शकतो, मात्र 2 धावा, जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा कन्वर्ट करतो, रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्या पाहायला मिळत आहे। पहिला धाव जो होता खूप वेगाने घेतला होता सिद्धिक बाबे सर, त्यानंतर दुसरा धाव देखील सहजरित्या पूर्ण करताना दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करतो, धाव संख्या 10 होते धाव फलकावर। आपण पाहतायत एक मोठा सामना पाहतोय कालूबाई लोणार आणि एफसीसी भिवंडी। जिशान लोअर फुलटा चेंडू पॉवरफुल बँडेट बॅट मधून निघतो चौकार, अतिशय जबरदस्त फटका पाहतो आपण। ये देखते हैं किस तरह से उस चौके को खेला था, वहां पे बहुत बढ़िया टाइमिंग, प्लेसमेंट लाजवाब, कमाल का शॉट, फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक कर दिया था हवा में, सेफ लैंडिंग होती पहले बाउंस पर, 4 रन। आता मात्र आपण पाहतो जर विचार केला धावांचा तर सर पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 14 धावा जिशाने खर्च केला आहे, दर्शक आप जुड़ चुके हैं टेलीविजन सेट से भी ग्राउंड में भी। उनकी मालूमात के लिए आज के मैचेस की रूपरेखा ये है कि चैलेंज बनाम बालाजी अगला मैच, रमनिक बनाम अमन स्पोर्ट, ट्रिपल एस बनाम जॉली, जय भोलेनाथ बनाम साइंस स्पोर्ट खारबा और नाना स्पोर्ट बनाम फाइज। धाव संख्या होते थे आपण पाहत आहे 14 धावा धापलकर, पहिल्या षटकाची समाप्ती। नवीन आपण पाहत गोलंदाज येतोय कासिम बाबू येतोय गोलंदाजीसाठी, एक नामांकित असे गोलंदाज पाहतो आपण एफसीसी भिवंडी संघाचे टीम गोर एन कडून सामना करतो फलंदाज खेळपट्टी आपण पाहत आहे। आता होता फुलटा चेंडू होता मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, थोडस रॉंग अँड थ्रो येतोय
मात्र एक धाव पूर्ण होते, धाव संख्या होते ऑफिशियल स्कोरर अभिमत नरेश यान 15 धावा धाव फलकावर लागत आहेत। राज वैयक्तिक 2 धाव खेळत आहे, योगेश वैयक्तिक 7 धाव खेळत आहे, कासिम बाबू एमगर एन कडून खेळण्यासाठी सज्ज होते फलंदाज खेळपट्टी आपण पाहताय। योगेश त्याने एक षटकार वसूल केला होता आपल्या फलंदाजीमध्ये, चौकार वसूल केला होता एक, एकदा अतिशय सुंदर असा यॉर्क लाईनचा चेंडू आपण पाहतोय आणि खास करून कासिम बाबू याच गोलंदाजीने ओळखला जातोय कारण की त्यांच्या गोलंदाजीमध्ये नेहमी आपल्याला धाव संख्या स्थिर आपण पाहतोय 15। कासिम बाबू राईट ऑफ मोर द विकेट, पुन्हा एकदा सेव्ह प्लेटने खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय सुंदर अशी फिल्डिंग मात्र थ्रोज आहे हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता कासिम बाबू याने, एक धाव निश्चित मिळते या चेंडूवर, धाव संख्या होते ती आपण पाहतोय 16 धावा धाव फलकावर लागत आहेत। योगेश वैयक्तिक 8 धावांवर पोहोचलेला आहे, संघाची धाव संख्या 16 आपण पाहतायत। नाना चषक 2018 या स्पर्धेचा आज आगाज झालेला आहे, सिटी पूलचा हा क्रिकेट आपण पाहतोय, अतिशय जबरदस्त क्रिकेटची मेजवानी टायगर अप टेमगर सतीश चौधरी आणि त्यांचे सर्व सहकारी बाला चौधरी दीपक पाटील आणि नाना स्पोर्ट टेमगर कसम फुलोर यांना कोण विसरणारा, एक जबरदस्त असा व्यक्ती आपण पाहतोय या टेमगर गावामध्ये, त्यांनी या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीजच्या ट्रॉफीज आणि मॅन ऑफ द मॅच बहाल करण्यात आलं त्यांच्याकडून। कासिम बाबू गोलंदाजी करताना टेमगर एन कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट, सामना करतो फलंदाज खेळपट्टीवर राज, कासिम बाबू टू राज, कासिम बाबू पुन्हा एकदा ऑफस्टंप, अतिशय सुंदर असा फटका देखना फटका कवर क्षेत्रामध्ये जाते चेंडू, चेंडूचा पाठलाग केला जातोय, चेंडूपर्यंत पोहोचेपर्यंत 2 धावांचा जिथे पूर्ण करताना राज, एकेरी दुहेरी धावांचा जो रनरेट आहे चालू ठेवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। योगेश आणि राज पार्टनरशिप बनवत आहेत, धाव संख्या झालेली आहे आपण पाहतोय 18 धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत राज आणि योगेश, थोडस थंडा दिमाग ठेवताना कारण की त्यांना माहित आहे लो स्कोरिंगचा सामना आहे। कासिम बाबू एक नामांकित असा गोलंदाज आपण पाहतोय एफसीसी भिवंडी या संघाचा, वैयक्तिक आपण पाहतोय 18 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळत आहेत। कालूभाई लोणाड या संघाचे आपण पाहतायत कासिम बाबू, पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर फटका मात्र टायमिंग चांगला नाही होते, कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडू होते, एक धाव पूर्ण होते, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न केला तर राजाने मात्र नकारतात तिथे योगेश, धाव संख्या स्कोरबोर्डवर आपण पाहतायत 19 धावा धाव फलकावर लागलेले आहेत। कासिम बाबू एक चांगली लेंथ लाईन मध्ये गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत, दुसऱ्या खेळ जारी 19 रन बंच, एक विकेट गिर चुका आहे कालूभाई लोणार टीम का, अभी भी 25 रन दूर आहे जीतने के लिए कालूभाई लोणार। कासिम बाबू या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जातोय टीमगर एन कडून खेळण्यासाठी सज्ज होता फलंदाज खेळपट्टीवर योगेश, मोठा फटका योगेश याच्या बॅट मधून मात्र अतिशय जबरदस्त झेल कलेक्ट केला जातो तिथे आणि फलंदाज फेल होतोय तो म्हणजे योगेश, विकेट नंबर 2। अतिशय जबरदस्त झेल टिपला होता आसिफ याने, गोलंदाज आपण पाहतोय अतिशय चांगली गोलंदाजी केली कासिम बाबू याने, 2 षटकाची समाप्ती 19 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत, दौर की समाप्ती 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे, बढ़िया शुरुआत है यहाँ पे कालूभाई लोणार स्पोर्ट की, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी अब तक कासिम बाबू की, गेंदबाजी में परिवर्तन फिर से एक बार होता हुआ
अकबर येत आहेत गोलंदाजीसाठी तिसऱ्या षटकासाठी. आपण पाहतोय नाना चषक 20-18 हा सर्वात मोठा टुर्नामेंट. आपण पाहतोय योगेश वैयक्तिक 8 धावांवर बाद झाला होता, 6 चेंडूमध्ये 8 धावा काढले होते योगेशाने. अकबर येते गोलंदाजीसाठी. एफसीसी आपके पास समय बचा कम है, ध्यान में रखना आपको. कासिम बबे ने वैयक्तिक 5 धावा दिल्या फक्त आपल्या षटकामध्ये आणि एक महत्त्वाचा विकेट घेतला होता अकबर टेमगरेन कडून. आता मात्र ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न, डोळे झापून मारण्याचा प्रयत्न. मात्र थकल्या सर्कल मध्ये आपण पाहतोय बबलू चेंडूला फील करतोय, एकच धाव मिळते, एक्स्ट्राची मदत होते. निर्धाव चेंडू अतिशय चांगल्या स्कोरिंगचं काम करताना नरेश. अकबर आता मात्र आपण पाहतोय पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुन्हा एकदा बबलूकडे चेंडू जातोय, गलीमध्ये चेंडू जातोय, एकच धाव मिळतोय. लेग बायचा इशारा करतात पंच. आता मात्र जाऊन धाव मिळते या चेंडूवर. एक्स्ट्राची मदत कालुबाई लोणाड्या संघाला होत आहे. टार्गेटचा विचार केला तर 44 धावांचं आव्हान आहे, त्याच्यामध्ये दोन पॅनल्टीच्या धावा ऍड केल्या, 46 धावांचं आव्हान झालेलं आहे लोणार संघासाठी. कारण की ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे, लक्षात ठेवा. येणाऱ्या सर्व संघाच्या कर्णाला लक्षात ठेवा, आपली ड्रेसिंग आणि पॅन्ट कंपल्सरी. पुण्या रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, आवेमध्ये चेंडू, एष्टी रक्षक देखील प्रयत्न करतो मात्र येत नाहीये हातामध्ये चेंडू. मात्र पहिल्या टप्प्यामध्ये चेंडूला फील्ड केली जाते, एक धाव मिळतो या चेंडूवर. धाव संख्या होते ती 21 धावा धाव फलकावर लागतात. अतिशय जबरदस्त लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. संपूर्ण जगभरामध्ये हा लाईव्ह टेलिकास्ट होतोय युट्यूबच्या माध्यमातून आणि SSS आणि असेंब्ली 992 नंबर चॅनलवर हा लाईव्ह टेलिकास्ट पोहोचत आहे. गोलंदाजी करताना गोलंदाज अकबर पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर असा फटका बॅट मधून निघतोय. आता चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय, एक धाव मिळतोय या चेंडूवर. शांत ठेवले फलंदाजांना, कोणत्या मोठ्या फटक्यांची मुभा दिली नाही मारण्यासाठी. धावसंख्या 22 रन्स प्लस ऑफ 2 विकेट्स कालुबाई लोणाड. फलंदाजी करताना आपण पाहतोय राज आणि त्याचबरोबर रणजित. फुलटा चेंडू अतिशय जबरदस्त ब्रँडेड फटका आपण पाहतोय रणजितच्या बॅट मधून निघणारा हा षटकार आपण पाहतोय. पाहू शकतो आपण जागेवर फुलटा चेंडू होता आणि पूर्णपणे ताकदवर फटका आपण पाहतोय. मिड विकेटच्या पलीकडे जातो 6 धावांसाठी, एक खूप लांब पल्ल्याचा षटकार रणजितच्या बॅट मधून. धावसंख्या होते वैयक्तिक रणजित 7 धावांवर पोहोचते. संघाची धावसंख्या होते ती 28 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये नुकतंच आगमन झालेलं आहे पंढरीनाथ मारुती तरे यांचं आगमन झालेलं आहे. त्याचबरोबर रमेश चौधरी यांचं देखील आगमन झालं, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका बॅट मध्ये निघते चेंडू, मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण मिड विकेट क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतोय. एकच धाव मिळते या चेंडूवर. अतिशय जबरदस्त षटकार याच्या पहिला बघितला आपण रणजितच्या बॅट मधून निघाला होता. धाव संख्या होते ती 3 षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 29 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. कालूबाई लोणाड हा आपण पाहतोय 46 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळते. ही पाहू शकता आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून नानायना भावपूर्ण श्रद्धांजली दिली जात आहे. एक आदर्श व्यक्ती आपल्यामध्ये नाही येते निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून नानायना भावपूर्ण श्रद्धांजली दिली जात आहे. आणि त्यांचे निश्चितच सुपुत्र आपण पाहत आहेत टायगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी यांना दाखवलं जात आहे. डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी कलसन फुलोले यांना दाखवलं जात आहे. ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पिंटू यांना दाखवलं जात आहे. जितू फुलोरे त्याचबरोबर मागच्या कक्षामध्ये मदन याला दाखवलं जात आहे. एक अतिशय आदर्श व्यक्ती टेमगर संघाचा एक अष्टपैलू खेळाडू देखील आहे. गोलंदाजी मध्ये परिवर्तन कासिम बाबू पुन्हा एकदा अटॅकवर टेमगर इन कडून सामना करतो राज. अतिशय जबरदस्त चेंडू आणि बोल्ड होते फलंदाज विकेट नंबर 3 कालूबाई लोणाड. देवा 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 देवा
चार फेक यॉर्कर, अतिशय जबरदस्त चेंडू कासिम बाबू याची, कधी बसून चांगली गोलंदाजी केली, प्रभावित केलेला आहे सर्व प्रेक्षकांना कासिम बाबू याने. लो स्कोरिंगचा सामना नक्की आहे, मात्र गोलंदाजी तितकी चांगली पाहायला मिळते कासिम बाबू याची. मॅच मध्ये पूर्णपणे वापसी करून दिलेली आहे कासिम बाबू याने. मॅच मध्ये फिरसे एक बार वापसी करते हुए आपले कासिम बाबू. 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे कालूबाई लोनार्ड. कासिम बाबू इस ओर की अगली गेंद लेकर टेमगर एन से राइट आर्म ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज विजय. बढ़िया शुरुआत कासिम बाबू की. इस ओर की अगली गेंद लेकर टेमगर एन से विजय के लिए. कासिम बाबू टू विजय, काफी बड़ा मुकाबला चलता हुआ. फिर से फुलर लाइन की गेंद थी लेकिन मिस फील्ड, वहां पे एक रन बना, दूसरा रन लेने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइनल रीजन में और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए. बैट का अंदरूनी किनारा मिस फील्ड वहां पे, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए. बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ विजय के, चार रनों से खाता खोलता हुआ विजय का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन. हमारे बीच फिर से एक बार जुड़ते हुए हमारे मुख्य आयोजक गोपीनाथ जी चौधरी, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम दुपा के क्षेत्र में. कासिम बाबू की बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन फील्डिंग खराब होती हुई अब मैं इतना ही कहूंगा एफसीसी भिवंडी की. कासिम बाबू बढ़िया गेंदबाज है, माने जाते भिवंडी में, फील्डिंग भी उतनी अच्छी करनी होगी एफसीसी भिवंडी को मैच जीतना है तो. ईश्वर की अगली गेंद लेकर कासिम बाबू टेमगर एन से सामने होंगे. फिर से एक बार विजय, अब हल्के हाथों से दिशा दी गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चलती हुई, गेंद के नीचे फील्डर नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए. श्रीलंकन प्लेयर की याद आती हुई पैंडस सब किए गए गेम को, बॉन्ड लाइन के बाहर जाती हुई गेंद चार रनों के लिए. 37 रन बन चुके हैं, 9 गेंदों में अब 9 रन चाहिए जीतने के लिए. 46 रनों का टारगेट है, 2 रन पेनल्टी के भी ऐड किए थे वहां पे कालूबाई लोनार्ड के. विजय बैक टू बैक 2 बाउंड्री अर्जित करते अपने पारी में, हैट्रिक पे विजय. और फिर से एक बार ऑन साइड क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद है, एक रन बना इस गेंद के ऊपर, एक ही रन पे संतुलित होते वहां पे विजय. रन संख्या आगे बढ़ती हुई 38 रन. बढ़िया गेंदबाजी, वापसी की गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाज की निशानी रहती है. अब अच्छी फील्डिंग करते हो तो आप एक प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन यहाँ पे एफसीसी थोड़ा निराश करती हुई गेंदबाज है कासिम बाबू को. फिर से एक बार टेमगर एन से सामने होंगे राज. राज ने अब तक 6 रन बनाए, विजय ने 9 रन बनाए अपने पारी में. काफी दर्शक जुड़ चुके हैं, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. फिर से एक बार गली में ढकल दिया गेंद को, पॉइंट में जावेद खड़े थे वहां पे. अच्छी फील्डिंग, एक रन बना इस गेंद के ऊपर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन. ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है, ध्यान में रखना दोनों टीम के कैप्टन. ईश्वर की अगली गेंद लेकर कासिम बाबू. कासिम बाबू अच्छी गेंदबाजी अब तक की है कासिम बाबू ने इस टूर्नामेंट में. फिर से बढ़िया फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश वहां पे, एक रन बना दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, मिस फील्ड और इसी के साथ 2 रन पूरे करते हुए लेजी क्रिकेट आरिफ द्वारा, टीम के कैप्टन इस तरह की फील्डिंग करते हुए 2 रन बने इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ ओवर नंबर 4 खत्म होता हुआ, रन संख्या 41 रन. अब जीतने के लिए सिर्फ 5 रन दूर है कालूबाई लोनार्ड. अब टीम मीटिंग होती हुई और टीम मीटिंग कम करना है आपको एफसीसी भिवंडी, क्योंकि इसके बाद बड़ा मुकाबला होने जा रहा है चालीस स्पोर्ट और बालाजी स्पोर्ट के बीच में.
अभी भी 5 रन दूर है, कुछ भी हो सकता है। एफसीसी भिवंडी काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी की अब तक विजय और राज ने। विजय ने अब तक 11 रन बनाए अपने पारी में और राज ने 7 रन बनाए। मेरे ख्याल से हाथ में गेंद दिए जावेद के, फील्डिंग लगाए आपके पास सिर्फ 3 बचे मिनट, याद रखना आपको एफसीसी भिवंडी 3 मिनट बचे आपके पास, ये 6 गेंदों के लिए 3 मिनट सिर्फ बचे। जावेद क्या अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे या राज अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसे 6 गेंदों में 5 रन दूर है। भिवंडी सिटी पुल का क्रिकेट चलता हुआ अब जावेद टिमगरेन से सामने होंगे बल्लेबाज राज। जावेद की पहली गेंद लेकर जावेद टिमगरेन से और विनिंग शॉट निकलता हुआ बल्ले से राज के, और इसी के साथ कालूभाई लोनार ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन राम, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे रितेश, और मैन ऑफ द मैच इस मैच के हीरो है कुमार, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी। कुमार मैन ऑफ द मैच, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी कुमार ने। आपको वीआईपी टैग पे आना है कुमार, ये देख सकते हैं कल्पेश तड़े को, मेरे काफी दोस्त हैं। मैन ऑफ द मैच के लिए कुमार आपको आगे आना है, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की थी आपने। मैन ऑफ द मैच सड़ी निचित कुमार है। रमेश चौधरी साहबान विनंती करते अपन अपना शुभास्त मैन ऑफ द मैच दयाच है कुमार वाला, अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी के लिए थी कुमार ने, लो स्कोरिंग का सामना होता तो कहू शकता अपन मैन ऑफ द मैच घेता ना कुमार। रमेश चौधरी हम शुभास्त मैन ऑफ द मैच दिली गेली है तिला। आता मात्र बिग मैच, मैच ऑफ द आफ्टरनून, ये अपन पाहू शकता आमच समालोक कक्ष, आणि ये अपन पाहू शकता गोपीनाथ चौधरी साहबान दाखवलं जात आहे। मागच्या कक्षामध्ये देखील टेंभरगावचे काही युवा एक स्टार क्रिकेटर आपल्या पाहायला मिळत आहेत। निश्चितच अफार मेहनत ये पाहू शकता आपण, दिमाग शांत आणि नेहमी चेहरा हसते त्यांच्या, टायगर ऑफ भिवंडी सतीजी चौधरी यांना दाखवलं जात आहे। निश्चितच सर्वश्रेष्ठांमध्ये तर निश्चितच नामांकित आहेत, मात्र क्रिकेटमध्ये देखील एक फोकसमॅन होताना आपल्या पाहायला मिळत आहेत। संपूर्ण जगभरामध्ये त्यांचं नाव आणि चर्चा होताना, आपासमध्ये चर्चा करताना डायमंड ऑफ भिवंडी